बिजली का तेज झटका लगने से किशोर की मौत हो गई। मृतक कार्तिक अंकुश सहारे 15 वर्ष वाठोड़ा तहसील पारशिवनी है। घटना रविवार की शाम करीब 6 बजे हुई। अंकुश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाने पर वहां न तो डॉक्टर थे न ही एम्बुलेंस। कार्तिक डोरली के श्री चक्रधर प्रभु माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता खेतीहर मजदूर हैं। परिवार में माँ और छोटा भाई भी है। रोशनी के लिए लाइट लगाते वक्त कार्तिक को वायर का करंट लग गया। उसे PHC लाया गया, तब डॉक्टर अश्विनी फुलकर ड्यूटी पर थी लेकिन वे मौजूद नहीं थी। परिजन कार्तिक को लेकर कामठी के निजी अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे नागपुर ले जाने को कहा और इस दौरान नागपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस बारे में पारशिवनी के THO डॉक्टर प्रशांत वाघ ने बताया कि डॉक्टर अश्विनी फुलकर ने अपनी अनुपस्थिति की सूचना नहीं दी थी। इस लापरवाही के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एका मुलाला करंट लागला, तिथून 6:30 ते 7:30 दरम्यान पेशंट इथं आणला। इथं आणल्यानंतर पेशंट जिवंत होता, जिवंत असताना इथं एकही डॉक्टर उपस्थित नव्हता, त्यामुळे तो पेशंट इथून हॉस्पिटलला हलवला गेला। हलवल्याच्यानंतर ती जागेवर जातपर्यंत तो पेशंट डेड झाला, डेड घोषित केला। त्यामुळे त्या डॉक्टरावर कारवाई व्हायला पाहिजे एवढीच माझी गाववासियातर्फे, तसेच मी सरपंच ग्रामपंचायत वाघोळा सेवक रामेश्राम माझ्यातर्फे कारवाई व्हायला पाहिजे एवढे बोलून मी आपले दोन शब्द। पारशिवनी तहसील डोरली से कॅमेरामॅन आशिष राऊत के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।